हेलो पैरामेडिकल कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर में आरएच ब्लड ग्रुप और एबीओ ब्लड ग्रुप पर डिस्कस किया था। अब हम आज डिस्कस करेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इन दोनों ब्लड ग्रुप्स के अलावा एक ब्लड ग्रुप और होता है जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब ये क्या होता है हम उसके बारे में देखते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज ए रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप। ये सबसे रेयर चांसेस में प्रेजेंट होता है ये ब्लड ग्रुप। इट वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाई इन मुंबई, सो द नेम दिस ब्लड ग्रुप इज बॉम्बे ब्लड ग्रुप। सबसे पहले आइडेंटिफाई कहाँ पे किया गया था? मुंबई में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं इसलिए इसको। दिस ब्लड ग्रुप इज आल्सो नोन एज एचएच ब्लड ग्रुप। इस ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? एचएच ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। दिस स्पेशलिटी ऑफ दिस ब्लड ग्रुप दैट इज द पर्सन हैव बॉम्बे ब्लड ग्रुप देन ही कैन डोनेट द ब्लड इन ऑल अदर ब्लड ग्रुप्स बट दे कैन रिसीव ओनली बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इस ब्लड ग्रुप की स्पेशलिटी क्या होती है कि जो ब्लड ग्रुप होता है जिस भी पर्सन के अंदर अवेलेबल होता है क्या होता है वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। मतलब जिसके अंदर बॉम्बे ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है वो किसी को भी डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप, लेकिन रिसीव किससे कर सकता है? ओनली बॉम्बे ब्लड ग्रुप से। किससे रिसीव कर सकता है? ओनली बॉम्बे ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है। बिकॉज इन द बॉम्बे ब्लड ग्रुप ऑल द एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट ए बी एच। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तीनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ए बी और एच, इसलिए क्या होता है ये किसी को भी डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप। दी बॉम्बे ब्लड ग्रुप आर आल्सो नोन एज ट्रू यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप। ये किसी को भी डोनेट कर सकता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रू यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर भी बोलते हैं। इन दिस ब्लड ग्रुप देयर इज नो एनी एंटीजेंस आर प्रेजेंट। इस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजेंस क्या होती है? प्रेजेंट नहीं होती। किसी भी टाइप की कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो सकती है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है? दी बॉम्बे ब्लड इज वर्ल्ड बाय प्रेजेंट इन 0.004% पीपल। ये समथिंग 0.004% पीपल के अंदर ही प्रेजेंट होता है वर्ल्ड के अंदर। इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 10,000 पीपल हैव बॉम्बे ब्लड ग्रुप इन द ईयर। एक साल में लगभग 10,000 जो पीपल्स होते हैं वही रखते हैं इंडिया के अंदर। इतना रेयर पाया जाता है ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप कि पूरे इंडिया के अंदर ओनली 10,000 पीपल्स के अंदर ही पाया जाता है ये ब्लड ग्रुप वन ईयर में। 1952 दिस ब्लड ग्रुप वाज ओरिजिनेटेड बाय डॉक्टर वाई एम बिंडे। इसको किससे ओरिजिनेट किया गया था? 1952 में ओरिजिनेटेड किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर वाई एम बिंडे के द्वारा। इन दिस ब्लड ग्रुप इफ द पेरेंट्स आर पॉजिटिव फॉर बॉम्बे ब्लड ग्रुप देन हेयर आर हाई चांसेस दैट हिज चिल्ड्रन हैव बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या होता है इसका मीन? इन दिस ब्लड ग्रुप, इस ब्लड ग्रुप में अगर कोई पेरेंट्स होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है तो हायर चांसेस रहता है कि उसका जो बच्चा होगा, बेबी होगा, उसके भी क्या होगा? वो भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही उसके अंदर प्रेजेंट होता है। Sometimes the Bombay blood groups sample are transport and receive from different nations. क्या होता है इसका जो transport हो ये बहुत rare chances में पाया जाता है ये blood group, इसलिए क्या होता है अलग अलग different nations में इसका transport किया जाता है क्योंकि ये सबसे बहुत ज़्यादा rare condition में पाया जाता है इसलिए। मेंटेनिंग द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ऑफ बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, इसके एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन को उसको हम देखते हैं। दिस इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। ये क्या होता है? सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज मैनेज बाय WHO, इसलिए इसको किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है। द WHO प्ले ए एक्टिव पार्टिसिपेशन रोल इन बॉम्बे ब्लड ग्रुप डोनर क्राइटेरियाज एंड रिसीविंग क्राइटेरियाज। इट इज मैनेज बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। जो WHO होता है वो एक्टिव रोल प्ले करता है किसमें? बॉम्बे ब्लड ग्रुप को डोनर क्राइटेरियाज में और रिसीविंग क्राइटेरियाज में को मैनेज करने में WHO एक्टिव रोल प्ले करता है। और इसके मैनी प्रिंसिपल्स हैं उनको हम देखते हैं। फर्स्ट, एवरी कंट्री हैव क्लियर इंस्ट्रक्शंस बाय WHO टू मैनेज टू अवेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट सो दे कैन अप्रोच टू अदर कंट्रीज एंड प्रोवाइड इन केस ऑफ इमरजेंसी। एवरी कंट्री, प्रत्येक कंट्री में क्या होता है? क्लियर, प्रत्येक कंट्री को क्या दिए हुए हैं? क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं किसके द्वारा? WHO के द्वारा। क्या मैनेज करने के लिए? इसको डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट को मैनेज करने के लिए अदर कंट्रीज टू प्रोवाइड इन केस ऑफ इमरजेंसी, जिससे कोई भी इमरजेंसी पड़ती है तो कोई भी देश से इसका
जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है इसको हम आदान प्रदान किया जा सकता है, एक देश से दूसरी कंट्री में पहुंचाया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम, बिकॉज क्योंकि ये बहुत रेयर चांसेस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमेशा अवेलेबल नहीं होते। इसलिए क्या होता है, WHO जो होता है वो इसको मैनेज कर कर रखता है कि कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो क्या कर सकता है, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इसका ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इन द मोस्ट ऑफ केसेस द बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स नॉट डोनेट इन रिप्लेसिंग द अदर ब्लड ग्रुप्स क्वांटिटीज बिकॉज इट इज़ वेरी रेयर। वैसे तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, ABO किसी को ब्लड ग्रुप को कैसा कर सकता है, अपना ब्लड दे सकता है, बट अकॉर्डिंग टू WHO के रूल के अकॉर्डिंग किसी को भी अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत रेयर चांसेस में प्रेजेंट होते हैं और इमरजेंसी में, ताकि ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप की ही जब नीड होती है तब उसको दे सकता है, इसलिए WHO के अकॉर्डिंग ये किसी को भी दे नहीं सकता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इन एवरी ईयर द मेंटेनेंस चार्ट ऑफ बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग इज प्रिपेयर। प्रत्येक ईयर क्या करता है, मेंटेन करना पड़ता है चार्ट को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के, मतलब कितने ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है हमारे इंडिया के अंदर या अदर कंट्रीज में, और उनका चार्ट क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है ब्लड ग्रुपिंग ईच एंड एवरी कंट्री को, प्रत्येक कंट्री को, एंड सबमिट कराना होता है रिपोर्ट को कहाँ पर, WHO को, कहाँ पर, WHO को ये रिपोर्ट सबमिट करानी होती है, विच वी कैन मेंटेन ए क्लियर डाटा रिगार्डिंग ब्लड ग्रुपिंग। क्यों? ताकि ये ब्लड ग्रुप का जो रिगार्डिंग डाटा होता है वो क्लियर रह सके कि कितनी क्वान्टिटी में कौन से देश में ये ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये बहुत ही रेयर चांसेज में प्रेजेंट होता है, जो होता है बहुत ही रेयर चांसेस में प्रेजेंट होता है ये ब्लड ग्रुप। इसके अंदर क्या होती है, सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ABH, इसलिए किसी को भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, एंड क्यों, और इसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती है। वैसे तो नॉर्मली ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, बट अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग ये ओनली फॉर बॉम्बे ब्लड ग्रुप को ही कर सकता है, और बॉम्बे ब्लड ग्रुप ऐसे ही किसी को नहीं कर दिया जा सकता, ये WHO के पास ही इसकी रिपोर्ट जाती है और वहाँ से ही किसी को दिए जा सकते हैं। थैंक यू।